सो इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन हमने देखा था मर्चेंट सर्कल से कैसे फोर्स के रिलेशंस एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब मर्चेंट सर्कल के भी कुछ स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस क्या है? पहला केस हम यदि इसमें मान लें तो पहला केस क्या मान लें, अल्फा इज इक्वल टू, यदि हमने क्या ले लिया, जीरो, दैट इज रेक एंगल हमने कितना ले लिया, जीरो ले लिया। तो फिर से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या क्या अपने को चेंजेस मिल रहे हैं। ये वापिस से सर्कल बनाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इसके पर पैरेलल में परपेंडिकुलर में वर्टिकल लाइन। अब अल्फा क्या था, ये एंगल था अल्फा यहां से यहां तक का, इसको हमने क्या कर लिया, जीरो। तो टूल क्या हो जाएगा अपना, ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो गया अपना टूल, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा था अल्फा से वो जीरो हो गया। ये वाला वापस से क्या हो जाएगा एज इट इज, जो कि एफ सी था पहले से, यहां से अब जो नॉर्मल वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा चिप के अलॉन्ग, चिप किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स जो पहले ऐसे लग रहा था अब कैसे लगेगा, ऐसे, डेट इज ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा आपका एफ। इसके नॉर्मल में क्या मिल जाएगा अपने को, क्या मिल जाएगा इसके नॉर्मल में, नॉर्मल फोर्स। इसके परपेंडिकुलर अपने को क्या मिलेगा, एफ टी थ्रस्ट फोर्स। और यहां से यदि हमने देखा, यहां से ये क्या हुआ एफ एस, ये कितने एंगल पे गया, फाइव एंगल पे ये गया, तो इसका नॉर्मल फोर्स क्या मिलेगा अपने को, वेज इट इज क्या, एफ एन। ठीक है, एंगल्स वही रहेंगे, तो यहां पे एक नॉर्मल रिजल्टेंट क्रिएट होगा, वो क्या होगा आर। ठीक, तो आर और एन के बीच में एंगल कितना है, बीटा। यहां वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो अल्फा था, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये वाला एंगल क्योंकि बीटा माइनस अल्फा था स्टार्टिंग में, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये बीटा, और ये वाला एंगल जो यहां से यह इसके बीच में जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइव प्लस बीटा। ठीक है, अब देखना क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर अल्फा हमने जीरो ले लिया, इट मींस क्या चेंजेस आएंगे इसमें, आप देख सकते हैं अपोजिट साइड्स क्या हो गए इसके, पैरलर। इट मींस एफ सी जो है किसके बराबर हो गया, नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, और एफ टी जो है किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया। यही सारे, यही बदलाव हुआ है और तो कोई बदलाव हुआ नहीं। और जो एफ एस है और एफ एन है वो एज इट इज रहेंगे, एज इट इज जैसे पहले थे वैसे एफ एस और एफ एन। चेंजेस किस में आया, एफ सी इज इक्वल टू एन, दिख रहा है ना यहां से ये बराबर हो गए, और एफ टी और एफ एन एफ बराबर हो गया, तो ये चेंजेस आए। कहला किससे, किससे, जब अल्फा इज इक्वल टू अपने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। ओके, अब इसको अपन लोग एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी, क्या बोलें, फ्रिक्शन फोर्स जैसे एफ इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी से फ्रिक्शन फोर्स परपेंडिकुलर, कटिंग वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है फ्रिक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन में है, यहां पे क्या परपेंडिकुलर था, यहां पे कटिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में था, परपेंडिकुलर नहीं था, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर हमने कहा कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया, तो भी क्या मतलब निकलता है, उसका मतलब निकलता है कि अल्फा जीरो हो गया, और अल्फा जीरो हो गया तो वापस से ये केस हो गया। मतलब इस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका इस तरह से बोलें कि फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी, या दूसरा तरीके से बोलें कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो, मींस फिर इसमें कटिंग फोर्स बराबर हो जाएगा किसके, नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स के, और एफ टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। ये हो गया पहला केस। अब अपने को देखना है दूसरा केस। दूसरा केस इसमें क्या है, दूसरा केस क्या है, इफ म्यू इज इक्वल टू वन हो जाए, म्यू मतलब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या था एफ बाय एन। दूसरा केस क्या है, म्यू इज इक्वल टू वन और अल्फा इज इक्वल टू, तो जीरो अपन ने लिया ही था, ये दोनों चीज यदि हो जाए तो
ये दोनों चीजें दी हो जाए तो ये तो पहले ही था, अब अपन ने इसमें एडिशन कर दिया, म्यू इज इक्वल टू वन, म्यू इज इक्वल टू वन हो गया, तो एफ इज इक्वल टू एन हो गया, अब एफ इज इक्वल टू एन हो गया, तो ये वाला रिलेशन तो पहले ही स्टेब्लिश था, किसके लिए था वो, अल्फा इज इक्वल टू जीरो के लिए, और ये वाला रिलेशन किसके लिए आ गया, फॉर म्यू इज इक्वल टू वन, अगर हम दोनों रिलेशन को कंबाइन कर दें तो क्या रिलेशन मिलेगा, एफ सी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ टी, मतलब ये चारों फोर्स जो हैं आपस में बराबर हो गए, और एफ एस और एफ एन एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब जो मर्चेंट सर्कल के अंदर जो तुम्हारा डायग्राम बन रहा है वो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, अर्लियर इन केस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो डायग्राम वुड बी रेक्टेंगल, पहले क्या बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल थी, अगर चारों साइड इक्वल हो गई कब, जब म्यू इज इक्वल टू वन हुआ और अल्फा इज इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या हुआ, चारों साइड इक्वल हो गए तो क्या बनने लगा, स्क्वायर बनने लगा। तो ये दो स्पेशल केस थे जो कि क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन घुमाता है बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डेटा इनसफिशियंट है, एन निकल नहीं रहा, वो एन किसके बराबर होगा, सी के बराबर ही होगा, और अगर बोलता है म्यू भी वन के बराबर है अल्फा जीरो है तो ये चारों टर्म्स बराबर हो जाएंगे, एफ एस और एफ एन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्लियर है, तो ये हो गया मर्चेंट सर्कल्स के स्पेशल केसेस। अब मर्चेंट सर्कल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस क्या है मर्चेंट सर्कल के, पहला तो इसका लिमिटेशन है कि ये वैलिड किसके लिए है, सिर्फ ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए, ऑर्थोगोनल मतलब कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑब्लिक कटिंग के लिए ये वैलिड नहीं है, तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया, इट इज वैलिड ओनली फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, और दूसरा लिमिटेशन ये है कि जो एफ बाई एन से अपन लोग म्यू निकालते हैं मर्चेंट सर्कल में, ये जो म्यू निकलता है ये क्या होता है, एपरेंट म्यू होता है, इट इज नॉट एक्चुअल म्यू, इट इज क्या है, ये क्या होता है, एपरेंट होता है, एपरेंट क्यों होता है, अब देखिए जब चिप टूल के रेक सरफेस से फ्लो करती है तो चिप क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो गर्म होने के कारण वो हल्का सा मेल्ट भी होती है, मेल्ट होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टिकिंग होने लगती है, कुछ हल्की सी चिपकने लगती है, जबकि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन, ये कौन सा लॉ है, कोलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, क्या कहता है, फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, कौन बोलता है ये, कोलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो इससे अपने को क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू एफ बाय एन, ये कहां से आया, कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये कब के लिए वैलिड है, जब सिर्फ स्लाइडिंग हो रही हो, कब के लिए वैलिड है, जब सिर्फ स्लाइडिंग हो रही हो, लेकिन अपने केस में क्या है, स्लाइडिंग तो हो रही है, चिप टूल के रेक सरफेस के ऊपर से स्लाइड तो कर रही है, लेकिन कुछ कहीं कहीं पे स्टिकिंग भी हो रही है, तो स्टिकिंग होने के लिए भी अपन लोग यदि सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं हो रही है, हो तो रही है, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए, सिर्फ स्लाइडिंग के लिए, अपने केस में थोड़ी सी स्टिकिंग भी हो रही है तब भी अपन लोग यूज कर रहे हैं, तो ये क्या देगा अपने को, एपरेंट म्यू देगा, एक्चुअल म्यू नहीं देगा, थोड़ा सा डेविएशन रहे, तो ये दो बेसिक लिमिटेशन हो गए किसके, मर्चेंट सर्कल फोर्स एनालिसिस डायग्राम के, पहला क्या कि ये वैलिड है सिर्फ ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए, दूसरा कि जो म्यू निकल के आता है इसमें वो क्या रहता है, एपरेंट रहता है, एक्चुअल नहीं रहता। ठीक है, तो ये मर्चेंट सर्कल कंप्लीट हुआ, इसके बाद इसके स्पेशल केसेस, इसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करिए और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, हम भी अपने फर्दर सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू फॉर पेइंग योर अटेंशन, थैंक यू।